से कितने लोग अभी इस मोमेंट पर कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, या हम लोगों ने प्लान करा है कि मुझे कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है, मुझे कोई काम करना है, आप में से कितने लोग अभी जॉब कर रहे होंगे और चाह रहे होंगे कि जॉब में मुझे प्रमोशन मिल जाए, मुझे एक अच्छी सैलरी मिल जाए। आप में से कई लोग किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, आप में से कई लोग एक स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए प्लानिंग कर रहे होंगे, लेकिन आप में से कितने लोग इन सारी चीजों में सक्सेसफुल हो पा रहे हैं? बहुत कम। मतलब आप चाह तो रहे हो कि मैं एक स्टार्टअप स्टार्ट करूं, मैं एक बिजनेस करूं, मैं बुलंदियों पर पहुंच जाऊं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, लेकिन कितने लोग रियलिटी में इस चीज को कर पा रहे हैं? आप में से कितने लोग रोज सुबह जॉब पर जाते हो, काम कर लेते हो, वापस घर आ जाते हो, लेकिन एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल रहा है? क्या कारण है इस चीज का? आप लोगों ने एडिसन के बारे में तो सबने सुना होगा, हम लोग सब जानते हैं एडिसन कौन है। ही वॉज द ग्रेटेस्ट इन्वेंटर ऑफ हिज टाइम। थॉमस एडिसन एक बहुत जाने माने इन्वेंटर के साथ साथ एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी थे। एक पर्सन थे जिनका नाम था एडविन, बहुत दूर रहते थे उनसे, एक दूसरे शहर में रहते थे। जब एडविन ने एडिसन के बारे में सुना, एडविन के मन में इच्छा जागी कि मुझे एडिसन के साथ बिजनेस करना है, बिजनेस पार्टनरशिप में जाना है, जॉब नहीं करनी है उनके लिए, बिजनेस पार्टनरशिप में जाना है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे पास पैसे नहीं है, उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं इतने बड़े आदमी के साथ किस तरीके से बिजनेस पार्टनरशिप कर पाऊंगा। आपके मन में सबसे पहले जो चीज आती है वो आता है फेलियर का डर। आपका ब्रेन ये नहीं जानता कि पॉजिटिव चीज अच्छी है या नेगेटिव चीज अच्छी है। आपका ब्रेन बस ये जानता है कि आप जो सोच रहे हो उसे रियलिटी में कर देना। हम लोग किसी काम को करने के पहले फेलियर कॉन्शियस हो जाते हैं कि यार एडिसन के पास मैं जाऊंगा तो वो मुझे भगा देगा, देखते ही वो मुझे बाहर निकाल देगा, तो वो रियल में आपको निकाल देगा। लेकिन एडविन ने ऐसा नहीं करा। एडविन ने क्या सोचा, एडविन ने कहा मुझे एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में जाना है, मतलब जाना है, दैट्स इट, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहां पर एडविन की विश, उनकी इच्छा एक बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट हो गई। उनके मन में एक डिजायर आ गया कि मुझे एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में जाना है। जब उन्होंने अपना पॉकेट चेक किया, उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो एक ट्रेन का टिकट अफोर्ड कर सके। वो व्यक्ति, वो इंसान मालगाड़ी में बैठ के एडिसन के शहर पहुंच गया, एडिसन से मुलाकात करी। तो जब एडिसन ने उस पर्सन को देखा तो उसमें कुछ यूनिक पाया। एडिसन ने बाद में अपने इंटरव्यू में कहा भी था कि वो जो पर्सन मुझसे मिलने आया था, एडविन जब मुझसे मिलने आया था, उसके अंदर कुछ अलग था, और उसके अलग एक्सप्रेशंस को देखकर मैं उसे ना नहीं कर पाया, लेकिन मैंने उसे हाँ भी नहीं करी, मैंने उसे एक जॉब ऑफर करी। तो जब एडविन को वो जॉब मिली तो उन्होंने साइलेंटली वो जॉब ले ली, उन्होंने ये नहीं बोला कि नहीं, वो एकदम स्टबर्न की तरह उन्होंने बिहेव नहीं करा कि नहीं मैं तो बिजनेस पार्टनरशिप के लिए मैं वही करूंगा। उन्होंने चुपचाप वो जॉब एक्सेप्ट कर ली और अपने काम में लग गए। उन्हें काफी साल तक एडिसन के ऑफिस में काम करना पड़ा। एडविन का यह कहना था कि जब कभी भी सक्सेस आपके लाइफ में आने वाली होती है, उसके पहले बहुत सारी फेलियर आपकी लाइफ में आती है, बहुत सारा मिसफॉर्च्यून, आपको जिसको बोलते हो ना मेरी किस्मत खराब है, आपकी खराब किस्मत आपके दरवाजे पर आती है, लेकिन आप उसे पहचान पाते हो कि नहीं। जब आपको लाइफ में फेलियर मिल रहा होता है ना, जब आप लाइफ में फेल हो रहे होते हो, आपको ऐसा लग रहा होता है कि मेरी किस्मत खराब है, मेरा कुछ अच्छा काम नहीं हो पा रहा है, खुश हो जाओ, क्योंकि कुछ अच्छा होने वाला है। सक्सेस दो कदम दूर खड़ी है। लेकिन आप अगर डर गए और कदम पीछे कर लिया तो सक्सेस भी आपसे दूर हो जाएगी। एडविन ने यही करा। एडविन डरे नहीं, खड़े रहे, और एक दिन एडिसन अपने मार्केटिंग टीम के साथ
एक एडिफोन नाम के डिवाइस की मार्केटिंग की प्लानिंग कर रहे थे और उन मार्केटिंग टीम ने साफ साफ मना कर दिया कि वी आर रियली सॉरी लेकिन ये प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलेगा। तब खड़े हुए हमारे एडमिन और उन्होंने कहा मैं इस प्रोडक्ट को मार्केट करूंगा, मैं इसे बेच कर दिखाऊंगा। और एडविन ने उसे कर दिखाया और इतना अच्छे तरीके से उस एडिफोन को मार्केट में सेल किया कि एडिसन ने पूरी जो भी एडिफोन मार्केटिंग थी उसकी पूरी की पूरी एजेंसी एडविन को दे दी और अगले 30 सालों तक एडविन ने एडिसन के साथ पार्टनरशिप में मार्केटिंग करी। उनके हर डिवाइस पर लिखा हुआ होता था इन्वेंटेड बाय एडिसन इंस्टॉल्ड बाय एडविन। तो ये होती है बर्निंग डिजायर। उसने अपने अंदर एक ऐसी डिजायर रख ली कि मुझे पार्टनरशिप में जाना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, फिर चाहे ये सर कट जाए, लेकिन मुझे उस चीज को करना है। कैसे करूंगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं करूंगा। तो हमारी लाइफ में भी तो यही चीज हम लोगों के साथ मिसिंग होती है। हम लोग सोचते जरूर है लेकिन उस विश को डिजायर में कन्वर्ट नहीं करते। तो हमें क्या करना है, हमें हमारी विश को डिजायर में कन्वर्ट करना है। हमें ये सोचना है कि मुझे ये काम करना है और फिर उस सोच को एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ, एक सक्सेस कॉन्शियस माइंड के साथ आगे करना है। तो सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। थैंक यू।